हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंकी व्लॉग्स एंड इट्स रिएक्शन टाइम। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं सुमैराना का कॉमेडी वीडियो, जो हमने स्टैंड अप कॉमेडी, यस यस, जो हम पहले भी देख चुके हैं, नरक वाला। याद नरक देखा था, अब आया है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। अब कुछ तो बकवास सा होने वाला है, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग पे यार सवाल उठा रहे हैं, या तो किसी इंजीनियरिंग की ले ली गई होगी या तो इंजीनियर उठा रहे हैं। जो बिना देखे रहे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल बनाए तो क्या करना है, जो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। वाह क्या आता है मेरे को, है? आप लोग को प्रिंट करना आता है? यू आर ऑल्सो प्रिंटिंग इंजीनियर्स। आप लोग के पास बस डिग्री नहीं है, डिग्री तो हमें भी दी, स्कैन का भी भेजा करे, प्रिंटिंग तो सिखाइए, कर लो प्रिंट, प्रिंटिंग तो आती है ना भाई। इतना फकौल डिपार्टमेंट, कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला गेस्ट लेक्चर में आता था। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में थियोरी के क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहे थे और बच्चे फिर भी फेल हो रहे हैं खुद करके। मैंने कहा पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा पढ़ना आता तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करते। क्योंकि सारे बच्चे जो ना गांव से आ गए थे बेचारे, यू नो लाइक सब लोग गांव से थे। हमारे क्लास में इतने गांव के बच्चे थे, हमारा सीआर भी नहीं था, हमारा सरपंच था। एक बच्चे की शादी करा दी उसने सेकंड ईयर में, विदा हो गई सेकंड ईयर करके, प्लेसमेंट नहीं विदा ही हो गई उसकी, शादी उसकी हुई, कार्ड हमें प्रिंट करने पड़े। क्या है ये प्रिंटिंग इंजीनियरिंग? ये बकचोदी के लिए हमारे डिपार्टमेंट में 7 टीचर थे, इतने ही जॉब है इसमें, ठीक है? और वो भी हमारे कॉलेज से पढ़ के बने थे टीचर, उनका कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया। वो सारे टीचर में से सिर्फ एक को इंग्लिश आती थी, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता, उससे कभी प्रोजेक्टर नहीं आना था क्लास का, रोज कोशिश करता था, और ईगो भी था, हमको पूछता भी नहीं था, उसने सीधा एग्जाम में डाल दिया, हाउ टू टर्न ऑन प्रोजेक्टर। हमारे एग्जाम में टीचर अपने पर्सनल प्रॉब्लम पूछ रहे हैं हमसे, व्हाई माय वाइफ स्लीपिंग विद माय ब्रदर। सिक्सटीन मार्क्स बच्चे लिख भी रहे, बिकॉज यू आर प्रिंटिंग इंजीनियर। फाइनल ईयर के एग्जाम में सवाल आया, व्हाई इज इंक, व्हाई इज इंक, इंक क्यों है, ये भी नहीं कि व्हाट इज इंक, हाउ इज इंक, व्हाई इज इंक। बच्चों की गांडी फट गई वो देख के, भाई क्या लिखा था इसमें। फिर मैडम आई, सॉरी सॉरी बच्चों, इट इज व्हाट इज इंक। मैंने कहा प्रिंटिंग के एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे कर सकते हो? आधे बच्चे तो आंसर भी लिखने लग गए थे, डोंट ड्रिंक इंक, इट इज पॉइजन, एकदम पैनिक में लिख रहा है बच्चा कुछ भी, पास भी तो होना है भाई, डोंट ड्रिंक इंक, इट इज पॉइजन, ये लिख के पास हो गया बच्चा। इससे बड़ा झूठ नहीं है भाई, कोई मेरी बचपन में पेन की इंक खत्म हो जाती थी, मैं रिफिल निकाल के वहीं चूसने बैठ जाता था, पूरी जीप ब्लू हो जाती थी मेरी, फिर अवतार बन के घूमता था। एक बार एग्जाम में पेन खत्म हुआ, जीप से लिखा लास्ट आंसर, मैंने फुल स्टॉप जगह थूक मारी, मैंने थूक, 5 बच्चों का फुल स्टॉप हो गया वहां पे। हमारी एक मैडम थी, तुम विश्वास नहीं करोगे, उसने इसमें भी PhD किया था, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में PhD, व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ स्पर्म। मैंने उसको बोला इतना है क्या इसमें पढ़ने के लिए मैडम, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+P खत्म, कह रही है प्रिंट प्रीव्यू। फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में तुम्हें 4 लोग साथ में ग्रुप बनाते हैं और कुछ क्रेजी बनाते हैं, ठीक है, ऐसे होम ऑटोमेशन कर रहा है कोई, कोई ऐसे ड्रोन बना रहा है, कोई अपने नाना को जिंदा कर रहा है, बड़े बड़े काम करते हैं लोग। और हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था टू कन्वर्ट अ कलरफुल इमेज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट एंड टेक अ प्रिंट आउट।
और डिपार्टमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ही है। उसमें भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, मैम सेव करना है कि सेव एज? मैडम करिए बैठो बेटा, ऊबर चलानी है आपको। पर आज मैं डिग्री लेके रहूंगा, आई होप सो। मतलब मेरे को पता है मैं आज जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई आया नहीं होगा टीचर, और फिर मैं फिर 4 साल के लिए नहीं लूंगा फिर डिग्री, ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज इनसाइड। अच्छा, एंड आई एम आउटसाइड। दिस इज माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस मैम। हेलो मैम, प्लीज गिव मी डिग्री। विल आई गेट द डिग्री और विल आई हैव टू प्रिंट इट माय सेल्फ? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वे है। अबे मैंने इंजीनियरिंग की, मेरे को नहीं पता प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कुछ होती है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो मुझे भी लगा कि फन के लिए सेटअप किया, बट वाओ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ऐसे की है। समय ने जब वीडियो चालू किया मेरे को लगा एक हाइपोथेटिकल एक इंजीनियरिंग है जिसमें ऐसा ऐसा हाइपर और सारा सिनेरियो हाइपोथेटिकल टाइप ही लग रहा था कि ऐसा होता है वैसा होता है, पर इसमें ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल था, पर शिट एक्चुअली इट इज इंजीनियरिंग, उनका हेड डिपार्टमेंट भी है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में था और इनके डिपार्टमेंट में, मतलब इनके कॉलेज में ऐसी कोई इंजीनियरिंग नहीं थी। अच्छा हुआ नहीं थी, क्या पता ये ले लेता। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करता मैं। तो एक और मेरा रहना को बहुत ही मजेदार और कॉमेडी वीडियो जहां हमें उसके बारे में एक और नई चीज पता चली कि यहां से भी स्टैंडअप कॉमेडी आ सकते हैं। कहां-कहां से आ रही है। तो गाइस होपफुली आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन प्लीज डू द फीडबैक और हमें बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।